मैं तो इसको देख के ही नहीं रहा कि भाई ये तीन फिल्म की तीन सौ करोड़ भाव नहीं दे रहा इसको शर्मा जी का बेटा देखो क्या कमाल कर रहा है <laughs> कैसा रहा बट दिस फैमिली क्योंकि ये फैमिली तो ऑलरेडी बनी हुई थी जब लोगों ने मेरे एंट्री पे तालियां सीटियां मारी आई वॉज शॉकड की एक न्यू कमर है एक न्यू लड़की है अगर उस पर ताली सीटियां है एंड देन आई वॉज लाइक ओके ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड या इट्स वर्किंग देन क्या हैं आपकी के गदर? गदर उसमें उसमें ऐसा सब करवाया गया है। है। उतना मैंने गदर टू में भी शायद चीजें नहीं की। ट्रेन ट्रेन ऊपर हम दौड़ रहे है, वो real sequence है. कोई कपड़ा भी नहीं है जिससे सनी सर के कंधे पे मैं बंधा हुआ हूँ कुछ नहीं है इट इज ईदर यू गेट राइट और इट्स डेथ जो भी ट्रोलिंग चल रही है i just want to do what i want to do hi it's me Simrat Kaur. hi this is utkar sharma and you are watching us at bollywood, bollywood hangama yeah वी ऑब्वियसली हैव द गदर टू फीवर और ये काफ़ी टाइम तक चलने वाला है वेल well, यही तो इफेक्ट है इस फिल्म का हाई गाइज माई नेम इज़ उर्मिन एंड वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा एक ऐसी जोड़ी जो काफ़ी तारीफ काबिल है क्योंकि इनका काम जो है वो बहुत प्यारा रहा In fact, a lot of people also think that गदर 2 में इन्होंने तारा जी और सकीना का जो प्यार है ना उसे एक अलग ट्विस्ट दिया विद दियर लव वि एंड मुस्कान

उसमें जो फिर जो रिस्पॉन्सेज आए हमें जो पब्लिक के तालियाँ सीटियाँ और ये उससे हमें समझ में आ गया कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाने वाले हैं तो अभी कुछ ऐसा ऐसे तो बड़ा नॉर्मल लग रहा है हाँ। uh, मैं तो इसको देख के बोली नहीं रहा कि भाई ये तीन सौ करोड़ रुपये वाली फिल्म की है। उतना भाव नहीं दे रहा हूँ इसको ना ये मेरे मुझे इतना पता है नाम चेंज कर लो गाइस 300 करोड़ भाई करोड़ फिलहाल आई लव इट आई ओ फिलहाल या ऑब्वियसली कूल यार टू कूल शर्मा जी का बेटा देखो क्या कमाल कर रहा है अरे उत्कर्ष बट आई वांट टू स्टार्ट विद यू बिकॉज़ यू हैव बीन क्लोजली रिलेटेड टू द फर्स्ट फिल्म एज वेल Is it true that Amisha Patel had uh, you know recommended that आपको इस फिल्म में करना चाहिए काम जी एक्चुअली टू पीपल इट वॉज़ अमीषा जी एंड हमारे एक ई पी हैं कुरैशी जी ओके okay. जो उस समय जी में थे अब हमारे साथ हैं तो उन्होंने दोनों ने रिकमेंड किया था कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि बच्चा चाहिए था दे पीपल एंड शूटिंग सिर पे आ गई अमीशा जी घर पे आती थी एक थोड़ा बहुत खेलती थी मेरे साथ एंड कुरैशी जी का भी आना जाना था तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी कि स्टंट्स भी होंगे ट्रेन पे चलना होगा बहुत सारे अनयूजल वेदर में शूट करना होगा छः सात महीने की छुट्टी चाहिए स्कूल से पेरेंट्स हालांकि चाहते थे स्टडी पे फोकस हो मैं मेरा भी कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं था

थोड़ा सा नॉर्मल से तो डिफरेंट ही था एंड आई नेवर टोल्ड एनी वन तो स्कूल में आई थिंक सेकेंड थर्ड ग्रेड तक तो किसी को पता ही नहीं था दो तीन साल तो ऐसे ही निकल गए थे एंड फिर कुछ बेस्ट फ्रेंड्स को ऑब्वियसली पता लग गया उनको भी मैंने कहा कि भाई किसी को बताना नहीं है आई डेंट आई डेंट लाइक दैट I I don't know. For some some reason, reason. never wanted to make friends off of of that. that Okay, right. और, uh, some weird reason, mm -hmm. character flaw <laughs> But uh, so you weren't that show of kind of guy picture picture wow and वो भी गदर. गदर. नहीं, मतलब है क्या थे घर में तो बनी रही हैं. Mm -hmm. तो कुछ ऐसा मेरे लिए particularly special नहीं था mm -hmm. so उस age में आपको पता भी नहीं लगता है कि mm -hmm. आप

अरे अरे क्या 90 so. देखिए हम जो है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में जैसे होता है ना बॉर्डर हम वो वाले सुना कि कुछ छह सौ ऑडिशन हुए लोगों के काफी लड़कियों के एंडेड हाउ डिड इट मैं बहुत लेट एंट्री हुई है मेरी जब ऑडिशन हो रही थी

सो नाओ आई कैन टेल एग्जैक्टली वॉट द लाइन वो वो थोड़ी सी चेंज हुई है बट देन uh, मुस्कान एक जगह पे uh, इसको बोलती है कि इस बार ईदी में तुम्हें मैं अपने अबू से मांग लूँगी वो जो सिचुएशन था एग्जैक्टली exactly वो ही डायलॉग था जो ऑडिशन के लिए आया हुआ था सो so वो ऑडिशन मैंने बना के भेजी और जब मूवी में जब एग्जैक्टली exactly किया हुआ था ओके ये ऐसा परफॉर्म <laughs> करना था जो ऑडिशन में मैंने वैसा नहीं किया था अच्छा इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड दैट कॉन्वर्जेसन वॉज विद द फादर

तो पर पर लाइक फोर फोर ऑलमोस्ट लुक टेस्ट हुए रहेंगे okay. मेरे पर. उसके बाद में जाके अनिल सर को लगा के हाँ, शायद बात हो है। है। हो सकता <laughs> है कैरेक्टर ऑफ वेस इन इट ये मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि दिस होल डिफरेंट लव स्टोरी ऑफ जी एंड और ये भी मतलब टू टू फॉल इन लव विद अ गाय जिनके बारे में आपको शायद कुछ पता नहीं पता नहीं और वो भी दूसरे हिंदुस्तानी है आपके इसका भी नहीं है मैं आल्सो ऐड दैट द आईज हैव वर्क्ड द मोस्ट फॉर यू यस दे हैव हैव यू गॉट दिस कॉम्प्लीमेंट यस ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स आर अबाउट दिस या इन आई मेकअप वाज सो ब्यूटीफुल द आईज एक्सप्रेस द मोस्ट सो दैट वाज वंडरफुल कैसा रहा बट जॉइनिंग दिस फैमिली क्योंकि ये फैमिली तो ऑलरेडी बनी हुई थी हाउ डिड फील इनिशियली आई वाज स्केर्ड बिकॉज यू नो तारा सकीना एंड जीते ये ऑलरेडी लोगों के दिल के बहुत करीब है करेक्ट सो द न्यू मेमर नाउ मुस्कान सो विल द ऑडियंस एक्सेप्टेड एंड प्लस बीस साल से उनका प्यार है ये कैरेक्टर्स के साथ सो एज ही सेट जब हम लोग ने बारह बजे का शो देखा गेटी में एंड जब लोगों ने मेरी एंट्री पे तालिया सीटियां मारी आई वॉज शॉक्ड कि एक न्यू कमर है एक न्यू लड़की है अगर उस पर ताली सीटियाँ हैं and then I was like okay audience ne accept kar liya hai and yeah it's working then उत्कृष्ट क्या memories हैं आपकी with 2001's गदर do you remember shooting it yeah yeah या yeah. I I clearly remember because uh, वो कहते हैं ना एक trauma होता है <laughs> 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 तो shooting वो उसमें ऐसा सब करवाया गया है I don't think I I did उतना मैंने गदर टू में भी शायद चीज़ें नहीं की अच्छा तो उसमें आज के टाइम में क्या आप स्टंट वगैरह करते हैं तो आपके पास केबल का सपोर्ट है आपके पास सेफ्टी है आपको पता भी है कि यू नो व्हाट यू कैन डू व्हाट यू शुड नॉट हाउ टू अवॉइड एनी डेंजर्स और वट बट एट दैट टाइम एवरी वाज इवन मोर रॉ बिकॉज फॉर फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन सीक्वेंस जहाँ पे ट्रेन के ऊपर हम दौड़ रहे हैं वो रियल सीक्वेंस है उसमें कोई ग्रीन स्क्रीन का ग्रीन स्क्रीन क्या कोई केबल तक नहीं है कोई कपड़ा भी नहीं है जिससे सर के कंधे पे मैं बंधा हुआ हूँ कुछ नहीं है इट इज इधर यू गेट द शॉर्ट राइट और इट्स डेथ देर इज नथिंग इट्स इट्स आर या पार वो ऐसा टाइम तो प्लस चॉपर से शॉर्ट ले रहे हैं इधर ट्रेन चल रही है इधर चॉपर चल रहा है तो द सिंकिंग विदाउट और उस जमाने में उतने फोन भी नहीं है वॉकी टॉकी पे ही कम्युनिकेशन हो रहा है वेदर एंड द काइंड ऑफ नाइट सेवेंटी टू आवर्स विदाउट एनी स्लीप होल यूनिट बट फिर भी वो जो पैशन है पैशन रिमेन्स स्टिल फॉर गदर टू ऑल्सो वी हैव द सेम पैशन बट एट दैट टाइम द डिफिकल्टीज दैट वी है इसमें भी कम नहीं है hmm. इसमें क्योंकि जो जैसे uh,

Strict for his work. Yeah. And uh, if you are contributing to the work, then he's no—he's not strict. Right. He, if you're creatively putting your inputs and you're uh, working hard on it and you're not fooling about, mm -hmm. then then he's happy. He's the most happiest person and the most yeah. fun-loving person there is. <laughs> and at what point did you know that two did you you know know that like start planning for it because no 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 we we didn't, we didn't didn't hmm. um, क्योंकि लोग आते थे कई बार suggestions देते थे कि भाई गदर टू बना लीजिए ये कर लीजिए वो कर लीजिए बट कहानी नहीं थी ना हमारे पास तो uh, जब कहानी आई भी जब शक्तिमान जी आए कहानी लेके पापा के पास अराउंड जस्ट फर्स्ट लॉकडाउन नवरात्रि फर्स्ट लॉकडाउन उस टाइम पे जब वो आए तो कहानी की वन लाइन लाए थे विच वॉज रियली गुड विच जिसपे सब एक्टर्स ने सब लोगों ने हाँ कर दिया ये तो बहुत लेट आई पिक्चर में बट दैट वन लाइन इट्सल्फ वॉज गुड इनफ एंड वी डैट वॉज बिजी इन समथिंग एल्स आई वॉज बिजी इन समथिंग एल्स वो इतनी अच्छी वन लाइन थी कि वी सेट कि भाई अर्जुन और अभिमन्यू की कहानी है एट इट्स कोर

ड दैट इम्पैक्ट ऑन ऑल ऑफ आज मैं ये आप दोनों से जरूर पूछना चाहूंगी दैट यूल द न्यू एज एक्टर्स वॉट इज द वन चैलेंजिंग पार्ट दैट योर फील्ड ऑफ योर फील्ड सिमरथ चैलेंजिंग पार्ट आई डोट थिंक दैज एनी थिंग चैलेंजिंग द ओनली थिंग यू हैव टू ब्रेक इज ब्रेक थ्रू इज दीपल शुड एक्सेप्ट एज एन एक्टर सो आई थिंक वो गदर टू से हमें मिल चुका है

How important is it also for mm -hmm. y'all to now, you know, maintain what y'all are doing on social media and, you know, how y'all are having... Because this is becoming part of life. Yes. And, you know, with people trolling and, you know, we've we've yeah. known about the incident that happened. Yeah. And, you know, how uh, there are all kinds of people in yes. the industry. To, to, to put you down, pehle aate Yes. What is your take on that, Simrat? Uh, see, for me, my focus is way above...

तो वो भी इसमें आपको आपके काम से ही प्रूव करना है वो कोई भी फील्ड हो और आप कोई भी बैकग्राउंड से हो कोई भी पास से हो कुछ भी हो आपके काम से ही आप प्रूव कर सकते हो एंड मेन चैलेंज जैसे चैलेंजेस की आप बात कर रही थी मेन चैलेंज यही है कि अच्छी कहानियाँ चुनना वो वो सिर्फ न्यू एज एक्टर्स के लिए नहीं है वो जो ऑलरेडी वेल इस्टेबलिश एक्टर्स हैं सीनियर एक्टर्स हैं उनके लिए भी है hmm. क्योंकि इस इंडस्ट्री में सब कुछ मिल जाता है पैसे मिल जाते हैं फेम मिल जाता है जो भी अवार्ड्स मिल जाते हैं बट अच्छी कहानियाँ सबसे कम मिलती हैं एंड जो ग्रेटेस्ट एक्टर्स हमारे इंडस्ट्री के रहे हैं उनके पास अगर उनकी फिल्मोग्राफी भी देखें तो 25 से तीस आई मीन अगर अमित जी अमिताभ बच्चन जी जिनका फिल्मोग्राफी इतनी वाइड है उनके पास कम मैक्सिमम होंगे आई फील अबाउट 75 टू 100 गुड स्टोरीज दैट ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ एंड सो दैट इज द अल्टीमेट द पिन अल्टीमेट दैट समवन हैज रीड दैट्स द पिनिकल तो यू कैन सी समवन हुज़ हैड सच अ इलस्ट्रियस एंड लॉन्ग करियर ही आल्सो कुड एक्युमुलेट लाइक 75 टू 100 ग्रेट ग्रेट फिल्म्स So, this is the hardest part of hmm. this industry, hardest challenge that all of us and yeah. the people who will come 10 years, 20 years later also will have to face. So, I guess that's what we both are trying to focus on right now. Correct. Well, that's amazing. Yeah. Now, uh, this is a question that we all want to know. We are all asking ourselves. And I have to ask you all. Yeah. Yeah. three. <laughs> <laughs> Let's just pause here. <laughs> <laughs> I know we are on the seventh two. Yes. But gather three. Yeah. हम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं हेलो <laughs> गदर थ्री जब बनेगी आई नॉट सेइंग अगर आई एम सेइंग जब सी दैट्स व्हाट दैट्स द कॉन्फिडेंस आई हैव आप लोगों के हिसाब से बताए हैव यू मेड अप योर माइंड की क्या स्टोरी होगी <laughs> क्योंकि वी आर ऑल स्टिल वंडरिंग कि अमीषा पटेल से क्यों नहीं मिलाया आपने हां क्यों नहीं मिली सिमरत क्यों, <laughs> क्यों, क्यों नहीं मिली, नहीं मिली? जाना जाना बहु। बहु। बहु, क्यों नहीं मिली बताओ चंदा जानना बहू बहू क्यों नहीं मिली तो गदर 3 में देखिएगा

शक्तिमान <laughs> जी आएंगे वो सुनाएंगे कहानी पार्ट थ्री गुड आपने एक बात छेड़ी थी एंड आई कॉन्ट बिलीव आई डेंट स्पीक हैंड सीन पता था कि फिल्म होने वाला है हाउ डिड टेल अस द स्टोरी आई न्यू इट आई नो आई नो नो नोट आई इट

Hi, it's me, Simrat Kaur. Hi, this is Utkar Sharma. And you are watching us at Bollywood, Bollywood Hangama. Yeah.